गाइस हम इतनी देर से रील बनाने का ट्राई कर रहे हैं बट यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमें हंसी आ रही है बार बार। भाई इजी नहीं होता, जो लोग बोलते हैं ना वीडियो बनाना बहुत इजी है, नहीं होता इजी। कभी मॉल में आके देखना या फिर कहीं पब्लिक में बना के देखना, जब पता चलेगा तुम्हें कितना इजी होता है वीडियो बनाना। हंसी आ जाती है या फिर नजर चली जाती है लोगों पे, इट्स नॉट इजी, बहुत ज्यादा हंसी आती है। और हम भी जिद्दियां बना के गाने याद नहीं होते भाई को, बहुत बड़ी दिक्कत है यार, गाने याद ही नहीं होते कितना भी सुन लो। बट यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। जिसके भी घर में अच्छा बैकग्राउंड नहीं है या फिर अच्छे पौधे वौधे नहीं है, उसको ये सलाह है कि सनलाइट लेनी है तो सिलेक्ट सिटी आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ और इंजॉय करो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आ रखे हैं, बैठे हुए हैं, बस मस्त है जगह। मतलब बेचारे के वीडियो बनाते बनाते जो है ये स्लीपर उतर चुके थे। गाइस मेरा हालत सूख रहा है तो मैंने सोचा पानी पी लूं, इतनी देर से सनलाइट अरे ये कहां से आ गई। इस लड़के ने मेरी इतनी गंदी फोटो खींची, उसमें पैनो पैनो में मेरा चश्मा आधा मुखड़ा ही गायब कर दिया इसने। ऑल सेट गाइस, ये देखो चोटी चोटी चोर। सो गाइस घर आ चुके हैं और क्या बताऊं, दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। मतलब आप घर से इतना अच्छा निकल के जाओगे ना मम्मी, इतना अच्छा बन के जाओगे और बाहर जाके थूथड़ी इतनी गंदी हो जाती है ना, बस क्या बोलूं। इसलिए मेरे को बाहर के देश पसंद आते हैं, बाहर की एयर अच्छी है, यहाँ की एयर बहुत दूषित है, तो बाहर जाके तुम्हारी चपटी हो जाएगी शक्ल बहुत गंदी वाली और तुम्हें अंदर से फील गंदी आएगी, है ना। तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में तो, बट कोई नहीं, मौसम आज का अच्छा था, सनलाइट निकली थी और मतलब सही था, नॉर्मल, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, नॉर्मल था। और यही मौसम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम घर आ गए हैं और अभी मैं चेंज वेंज करके जब आपको मिलती हूँ। कैंडीज और ये देखो 450 की ये कैंडीज है, इसके अंदर देखो क्या क्या है। और मैंने खा के देखी तो भाई जितने पैसे लिए ना टेस्ट अच्छा है इनका। ये देखो ये लिए हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की थी। और ये वाली मैंने कैंडी ना ज़्यादातर उसमें देखी है यूट्यूब शॉर्ट्स में, जैसे कट नहीं करते कट कट करते जाते हैं ऐसी कैंडी होती हैं वो ये। और ये देखो ये लिए प्यारे प्यारे इसमें डायग्राम से बने, ये देखो अब बोलिए क्या बोल रहे हो, तेरे जैसे ते बनाने लगे कर के पूरी। ये देखो मम्मी जैसे असली रोस्टर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, आपके घर वाले आपको अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। और इसको देखो भाई को कैंडी खोल के बैठा है और यहाँ मैं खाना खा रही हूँ। और अब मुझे आ रही है नींद क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। गाइस इतनी मेहनत करते हैं हम, जल्दी उठ के वीडियो बनाने जाते हैं। एक लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कुछ तो कर दिया करो। वीडियो बनाना आसान चीज नहीं है, पब्लिक में जाके ना एक बार वीडियो बना के देखना, जो बोलते हैं ना आसान है। मम्मी भी हंस रही है देखो, लाइक देखो मेरे को नींद आ रही है, फिर भी वीडियो बनाई मैंने, फुटेज लेने आ रही है मम्मी, फुटेज कैमरे में देख रहा है। हाँ बोलिए। नहीं गाइस फुटेज नहीं, असल में तो थक जाती है मम्मी, दिन भर काम करती हैं, बहुत अच्छी मम्मी है आप, सही है। देखो उसे ध्यान ही नहीं है, वो तो अलग जोन में है। मम्मी मानने से एक दो टेस्ट देखो अच्छा तो है, खोने के बाद बोल दिया देखना कैसी है। मेहनती लकड़ी जानी, पूरी मत खाना एक एक इतनी इतनी लो। टेस्ट अच्छा नहीं है वैसे भाई, अच्छा टेस्ट है तभी 500 रुपए लिए हैं।
और पैकेजिंग के भी तो पैसे लेंगे, डब्बा दिया है उसके भी पैसे लिए हैं। गाइस यहाँ बन रहा है खाना। कहाँ बनाया है? मेथी आलू। मैं जिंदा लाश हूँ अभी, मेरे को ना इतनी गंदे वाली नींद आ रही है, बट मजा ले मैं सो जाऊं। आते पहले तो मैंने एडिट करी और रील अपलोड करी और अभी नींद आ रही है, पर अभी मैं खाना खा के तब सोऊंगी। आई एम डेड बट अलाइव। कुछ भी पीछे आ चुकी हैं हिमाचल वाली। हे लेडीज, हे लेडीज, ये देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है हमारे घर में, यही चलता है दिन रात, यही चलता है, जले भी फाफड़ा। हे दया चायला, मैं पागल हो चुकी इसलिए बकवास कर रही हूँ। चलो खाना खा लो। गाइज सारी कैंडी जो मैं लाई थी स्लैग सिटी से, ये देखो सारी खत्म हो रही है, बची है लास्ट और एक ग्रीन वाली बची है जो बड़ी थी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, देखो अभी इसे मैं खाने वाली हूँ।